सैलरी है 70,000 रुपए और काम है कपड़े धोने का, खाना पकाने का या हजामत करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौकरी है जहां 70,000 रुपए देने के बाद भी वर्कर से ये सब छोटे मोटे काम करवाए जा रहे हैं। तो जनाब, यह है मध्य प्रदेश का पुलिस डिपार्टमेंट, जहां ट्रेडमैन अर्चकों से अफसरों के बंगलों पर ये बेगारी करवाई जा रही है। ये आरक्षक प्रमोशन पाकर एएसआई तक बन चुके हैं, लेकिन अफसरों के बंगलों से इनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सरकार ट्रेडमैन आरक्षकों का संविलियन सामान्य आरक्षकों के तौर पर करने की अनुशंसा भी कर चुकी है, लेकिन पीएचयू इस अनुशंसा पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। यहां तक कि गृह विभाग जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। यह रिपोर्ट दिखाएं, उसके पहले आपको दिखाते हैं एक दूसरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो शख्स है वो पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में था, देखिए वो कैसे अपनी पीड़ा बयां कर रहा है। आपकी गाड़ियां आपके बच्चों को घुमा रही है, आपके घर वालों को घुमा रही है, अपने बंगलों में आप लोग 30-30, 40-40 पद के अनुसार 15-20 जवानों को रखा हुआ है। 20-25 हजार की सैलरी, 30 हजार की सैलरी वाले जवान, आपकी खुद की सैलरी, सर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी खुद की सैलरी होती है 1-1.5 लाख रुपए की, आप काम करने वाले कामगार नहीं रख सकते। जवानों का शोषण करते हैं, अपने घर में उनसे झाड़ू पोछा बर्तन करवाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती है? इतने बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं आप लोग, आप लोगों का तो रिकवरी होना चाहिए सर नियम से। शासन उन जवानों को भर्ती करती है अन्य ड्यूटियों के लिए, जनरल ड्यूटियों के लिए, आपके बंगलों में काम करने के लिए नहीं होते सर वो, तब आपका नियम कायदा कानून कहां चला जाता है? जबकि साफ शब्दों में मैंने यहां पे सूचना के अधिकार से लिया हुआ है सर, दिखाता हूं मैं, सूचना के अधिकार से शासकीय गाड़ियों का उपयोग सिर्फ शासकीय कार्यों से होगा। ये पीएचक्यू से मेरे को शासकीय कार्यों के लिए ही उपयोग होगा, शासकीय गाड़ियों का उपयोग मिला है मेरे को, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग शासकीय गाड़ियों का उपयोग अपने घर वालों के लिए भी करवाते हैं, लेकिन हम जवानों को ड्यूटी के लिए गाड़ी देने की बारी आती है तब आप लोग पीछे हट जाते हैं। आज तक कितने जवानों को आप लोगों ने सम्मान स्वाली तामील करने के लिए और नोटिस तामील करने के लिए पेट्रोल डीजल दिया है बताइए? आज पूछ रहा हूं सर, रिजाइन दे दिया हूं मैं विभाग से, नहीं डरता अब किसी से। अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने वाला पुलिस की वर्दी पहने ये शख्स कौन है? पुलिस के आला अधिकारियों की करतूत के खिलाफ सीधी बात करने की हिम्मत तो पुलिस जवानों में होती नहीं। अनुशासनहीनता और नौकरी जाने का डर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। दरअसल एक शख्स का नाम है उज्जवल दीवान, जो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का जवान था। था इसीलिए क्योंकि 29 अप्रैल 2021 को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने से पहले उज्जवल दीवान ने खुद ही पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वीडियो सामने आने के बाद उज्जवल की नौकरी भी चली गई। उज्जवल ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों को खरी खोटी इसलिए सुनाई थी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में पुलिस जवानों को एक दिन की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के आदेश दिए थे। उज्जवल दीवान ने कम सैलरी का हवाला देते हुए सैलरी देने से इनकार कर दिया था, तो उसका नक्सल इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया था। शर्म आनी चाहिए सर, आप लोग इतने बड़े पदों में बैठे हुए हैं और कर्मचारियों का शोषण करते हैं, अपनी बात रखने के लिए हमको मौका नहीं दिया जाता है। आज मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, कल भी घूमूंगा, लगातार 3-4-5 दिन तक घूमूंगा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। जब मेरी बातों को आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप लोग उस पदों में बैठ के काय के लिए अपना तमाशा करवाने के लिए बैठे हैं? सोशल मीडिया का युग है, पहले दबा लिया आप लोगों ने जितना दबाना था। अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं अपने अधिकार और अपनी चीजों के लिए बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, और अब मैं ये करूंगा और हमेशा करूंगा। उज्जवल ने 11 साल तक पुलिस की नौकरी की और नौकरी छोड़ने के बाद अब उज्जवल सोशल मीडिया के जरिए पुलिस परिवारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। इसी साल जनवरी के महीने में उज्जवल दीवान के खिलाफ द्रोह उद्दीपन की धाराओं में रायपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, यानी आरोप लगाए थे कि उज्जवल पुलिस वालों को भड़का रहा है। क्रांतिकारी उज्जवल दीवान, छत्तीसगढ़ के इस एक्स पुलिस जवान ने सही किया या गलत,
ये बहस का मुद्दा हो सकता है। उज्जवल दीवान की कहानी बताने का मकसद केवल इतना है कि अफसरों के घरों पर जवानों को कैसा काम करना पड़ता है। वहीं अफसर भी नहीं चाहते कि जवान उनके घरों को छोड़कर फील्ड में तैनात हों। 2012 में मध्यप्रदेश के तत्कालीन DGP SK राउत ने तो सरकार को बिना बताए जवानों के फील्ड पर तैनात किए जाने वाले नियम को ही बदल दिया था। गृह विभाग पत्र लिखकर PHQ से पूछ रहा है कि नियम को क्यों खत्म किया गया, तो उसका कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 4000 ट्रेडमैन आरक्षकों की गुहार, फील्ड में तैनाती दिला दो सरकार। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का अड़ंगा, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा करने वालों का हो जाएगा टोटा। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से PHQ में बैठे पुलिस के अधिकारी नहीं चाहते कि ट्रेडमैन आरक्षक जनरल आरक्षक बन जाए। तो उसकी मैंने कमेटी बनाई थी जो उसको स्टडी करके रिपोर्ट देना था, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को जाएगी। अच्छा, अब वो मेरे समय तक तो नहीं हो पाया था काम पूरा, तो अब कहाँ किस स्टेज में है ये मुझे अभी पता नहीं। JD का ऑर्डर निकलेगा तभी होगा वो, है ना जी। तो उसमें जो है प्रपोजल जाता है, तो उसके बाद सरकार उसको वित्त वाले देखते हैं। वो तो थोड़ा टाइम तो लेगा, कैबिनेट तक जाएगा मामला। तो सैलरी बढ़ती है, लेकिन उनका जो है प्रमोशन का एस्पेक्ट भी थोड़ा सा कम होते हैं। यदि वो कांस्टेबल में जब मर्ज हो जाते हैं तो फिर उनको सबके बराबर मिल जाता है पैनल। वो कैरियर के लिए अच्छा रहता है, पहले होता भी था, बीच में बंद हुआ। ट्रेडमैन आरक्षकों को बंगले पर बेगारी करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी सरकार को बिना बताए नियम तक बदल चुके हैं। कैसे? 1993 में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में PHQ के POP 59/93 नियम का हवाला दिया गया था। इस नियम के तहत SAF या जिला बल में 5 साल की ट्रेडमैन सर्विस पूरी करने के बाद सिपाही का GD सिपाही में संविलियन हो सकता था। अब यह नियम कैसे खत्म हुआ? 2012 में तत्कालीन DGP ने सरकार को बगैर बताए नियम खत्म कर दिया। 2012 से ट्रेडमैन आरक्षकों का संविलियन सामान्य आरक्षक में नहीं हो पा रहा था। लेकिन 10 साल बाद सरकार जागी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जानकारी में ये मामला आया। उन्होंने 24 मार्च 2022 को एक पत्र जारी कर ट्रेडमैन से GD में संविलियन शुरू करने की अनुशंसा की। गृह विभाग ने PHQ को लेटर लिखकर पूछा कि नियम को बगैर बताए खत्म क्यों किया। PHQ ने गृह विभाग को अभी तक कारण नहीं बताया। साफ है कि अधिकारी ही नहीं चाहते कि 4000 ट्रेडमैन आरक्षक सामान्य आरक्षक हो जाए। अहम बात यह है कि कुछ ट्रेडमैन आरक्षक प्रमोशन पाकर ASI तक बन गए हैं। उनका वेतन 70,000 रुपए हो चुका है, लेकिन वो काम कर रहे हैं कपड़े धोने का, खाना बनाने का और हजामत करने का। खास बात यह है कि मौजूदा अधिकारियों के साथ साथ सालों पहले रिटायर हो चुके पुलिस अधिकारियों के यहाँ भी ये ट्रेडमैन आरक्षक ड्यूटी बजा रहे हैं। बंगलों पर वो घरेलू काम करते हैं, अफसरों की पत्नियों की प्रताड़ना तक झेलते हैं। सवाल ये उठता है कि ट्रेडमैन आरक्षक इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी आवाज क्यों नहीं उठाते। ट्रेडमैन आरक्षक को हमेशा निलंबन और आर्थिक नुकसान का डर बना रहता है। इस उम्मीद में कुछ नहीं कहते कि आज नहीं तो कल साहब की नजरें इनायत होंगी, वो उनका ट्रेडमैन आरक्षक। तो अफसरों की नजरें इनायत होती नहीं, कोई अफसर आज्ञाकारी सरकारी नौकर क्यों छोड़ना चाहेगा? ऐसा नौकर जो इस दबाव में काम करता है कि यदि उसकी नौकरी चली गई तो परिवार का क्या होगा। अफसरों को कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट, यानी आम जनता का सेवक, लेकिन अफसरों को अपने घरों की चिंता है, आम जनता की नहीं। यदि ये ट्रेडमैन आरक्षक सामान्य आरक्षक बन जाते हैं तो पुलिस बल में काफी इजाफा हो जाएगा। अभी प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों की संख्या है महज 770। इसी साल मार्च में PHQ में बैठे अधिकारियों ने सरकार के सामने पुलिस बल की कमी का रोना रोया था। जानकारी दी थी कि प्रदेश में निरीक्षक से लेकर आरक्षक तक पुलिस के करीब 22,500 पद खाली। इसमें आरक्षकों के ही करीब 11,000 पद खाली पड़े।
हाल ही में सरकार ने 6000 पदों के लिए पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा ली है। अब बचे खाली 5000 पद। यदि ये 4000 ट्रेड आरक्षकों का सामान्य आरक्षक में संविलियन होता है तो आरक्षक के खाली पदों की कमी करीब करीब पूरी हो सकती है। वैसे भी कानून व्यवस्था के मामले में अधिकारियों से ज्यादा मैदानी अमले की जरूरत होती है, लेकिन अधिकारी तो चाहते ही नहीं है कि पब्लिक का भला हो। एक और बात गौर करने लायक यह है कि ट्रेडमैन आरक्षकों को जो वेतन मिल रहा है वो जनता का पैसा है, और अधिकारी जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर रहे हैं। एक आईपीएस को सरकार इतनी तनख्वाह तो देती है कि वो घरेलू कामकाज के लिए अपनी तनख्वाह में से एक नौकर रख सके। चंद अधिकारी ऐसा करते होंगे, लेकिन बाकी कोई ऐसा करना नहीं चाहता। यदि ऐसा करना चाहते तो बगैर सरकार को बताए पीएचक्यू 1993 में बनाए नियम को खत्म नहीं करता, और हाल ही में सरकार की इस नियम को लागू करने की अनुशंसा को भी अनदेखा नहीं करता। इन आरक्षकों की हालत देखकर आपको अंग्रेजों के टाइम को याद कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए अफसरों को कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने पीछे अंग्रेजी मानसिकता वाले अफसर छोड़ गए। मज़ेदार बात यह भी है कि यही अफसर जब विदेश घूमने जाते हैं या फिर इनके बच्चे पढ़ने विदेश जाते हैं तो वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं, गाड़ी चलाने से लेकर घर की साफ सफाई तक। और ये काम सभी अफसर और उनके परिवार के लोग खुशी खुशी करते हैं। सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो वो इन अफसरों पर दबाव नहीं बना सकती। मुख्यमंत्री या गृहमंत्री डीजीपी को ये नहीं कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे में संविलियन की फाइल टेबल पर होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि इन्हीं अफसरों के भरोसे तो सरकार चलती है। लोकतंत्र में अफसर परमानेंट सरकार है, नेता 5 साल के और सरकार में बैठे लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि जनता का पैसा बेवजह बर्बाद हो रहा है तो होता रहे। कौन सा उन्हें अपने जेब से भरना है? राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, उसे अमल में लाना मुश्किल। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि ट्रेडमैन आरक्षकों से जिस तरह से अफसर बेगारी करवा रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है? आपके पास 3 विकल्प हैं। तत्काल ये बेगारी बंद होनी चाहिए, सरकार को। दूसरा विकल्प है सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, और तीसरा विकल्प है अफसरों को खुद आगे आना चाहिए इस मामले में। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।